लाइट्स। कल हमने हैलोजन रेडियो को स्टार्ट किया था, उसमें हमने नॉमिनेटर सिस्टम स्टार्ट किया था और हमने देखा कि कॉमन नेम सिस्टम, हम कॉमन नेम सिस्टम ऑफ एल्कोहलाइड्स कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। सो कॉमन नेम सिस्टम इन केस ऑफ एल्कोहलाइड्स, कॉमन नेम सिस्टम फॉर एल्कोहलाइड्स। सो इन केस ऑफ एल्कोहलाइड्स फर्स्ट टेक द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, फर्स्ट टेक द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड देन राइट द नेम ऑफ द हैलोजन, देन राइट द नेम ऑफ हैलोजन्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई टेक दिस कंपाउंड दैट इज द CH3 CH2 Br. So here this is the alkyl group and this is the halogen. This is the alkyl group and this is the halogen. So this alkyl group CH2CH3. So हमने कल देखा था कि CH2CH3 को हम इथाइल बोलते हैं। So इथाइल फॉर्म इथेन। तो इथेन का हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं इथाइल, इथाइल ग्रुप। So this is the इथाइल and इथाइल ग्रुप। सो इथाइल ग्रुप को Br कहते हैं, तो Br को हम ब्रोमाइड बोलेंगे। सो द कॉमन नेम दैट इज द इथाइल ब्रोमाइड। ओके, सो CH3 CH2 Br इसका कॉमन नेम आएगा इथाइल ब्रोमाइड। हम दूसरा एग्जांपल लेंगे CH3 हियर Cl। सो दिस इज अ This group is called isopropyl group and isopropyl group को Cl कहते हैं। तो what is the common name of this compound? Isopropyl chloride, Cl आए तो chloride, common name पे आपको chloride bromide ऐसे लिखना है। So this is the isopropyl chloride। Okay, next example CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे हम लिखे आई। सो दिस ग्रुप इज नथिंग बट द दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो द नेम ऑफ कंपाउंड सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, सो देयर आर द फोर कार्बन CH3 CH2 CH CH3, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ब्यूटाइल ग्रुप। बट व्हाई इट इज कॉल्ड द सेक ब्यूटाइल, बिकॉज आयोडीन इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन, सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नथिंग बट द सेक ब्यूटाइल एंड इट इज अटैच्ड विद द आयोडाइड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 you can take CH3 here CH3 here Br. So again here four carbon, so it is a this group is called the tertiary ductile. So this is the third ब्यूटाइल ग्रुप एंड द नेम ऑफ कंपाउंड थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो इन दिस वे आप अल्काइल हैलाइड्स को कॉमन नेम दे सकते हैं। तो कॉमन नेम आपको एक याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप को आपको पहले लिखना है, बाद में हैलोजन्स लिखना है। तो हैलोजन्स कौन से आते हैं उसके हिसाब से उसका नाम लिखना है। Br आए तो ब्रोमाइड लिखना है, Cl हैलोजन दिया तो क्लोराइड लिखना है, आयोडीन आया तो आयोडाइड लिखना है। और बाकी जो ग्रुप से उसका नॉमिनेशन कैसे करना है कॉमन नेम सिस्टम में मैंने आपको कल बताया था और आज भी यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बाद में हम जाएंगे IUPAC नॉमिनेशन सिस्टम। सो IUPAC का नाम कौन होता है,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सो दैट इज नथिंग बट द IUPAC नॉमिनेटर। सो IUPAC नॉमिनेटर, ओके, सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द IUPAC। So in the IUPAC nomenclature of the alkyl groups, you know the some rule, that first rule is nothing but the longest chain rule. Longest chain rule. So in the longest chain rule, suppose consider the alkyl halide here, CH3CH. I take here Cl. CH3. This is the one of the compound. So in this compound, take the carbon in the longest chain. So it contain the halogen atom. That carbon is attached with the halogen atom. So in the longest chain rule, take the longest chain of the carbon skeleton containing halogen atom. Okay. So this is the longest chain rule. Okay. So take the longest chain of the carbon in the alkyl. Second rule here, or suppose you can second rule here, lowest number, lowest number rule, this is rule we say, lowest number rule. Again take the same example, CH3, CH2, CH3, here Cl. So first of all, select the longest chain, and after that lowest number rule. So lowest number rule क्या बताता है कि जो आपका लोकंड है, लोकंड यानी कि फंक्शनल ग्रुप है, सो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपका हैलोजन, दैट इज अ क्लोरीन। सो क्लोरीन किस कार्बन को अटैच है, उस कार्बन को आपका लोएस्ट नंबर आना चाहिए, उस हिसाब से आपको कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करना है। जो आपका हैलोजन है, दैट इज क्लोरीन, इस क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है, उस कार्बन को आपको कम से कम नंबर देना है। तो देखो हम जस्ट ट्राई करके, तो हमने लेफ्ट साइड से नंबर दिया, तो 1, 2, 3, 4, तो क्लोरीन जिसको अटैच है उसको थर्ड नंबर आता है, लेकिन हमने राइट साइड से नंबर दिया तो 1, 2, 3, 4 ऐसा नंबर आ गया। तो यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, तो उसको आपका लोकंड अटैच है, दैट इज क्लोरीन अटैच है, हैलोजन अटैच है। तो दिस इज द करेक्ट मेथड टू गिव द नंबरिंग टू द कार्बन चेन। ओके, इन द थर्ड रूल आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट, identify and naming the substitute, identify and naming the substituent, identify and naming the substituent. So again take the same example here, I write here, that is CH3, CH2, CH3. So here C. So in the third rule, identifying naming the substituent. अब देखो यहाँ पे alkyl halide. So alkyl halides are the derivative of the alkene. So alkyl group is the parent chain. So that's why. So alkyl group is the parent and Cl is the substituent, or you can say the functional group. So Cl in case of the halogen is the Cl, then it is called the chloro. If you write the halogen in the prefix, if the halogen is the Cl, then it is write the chloro. If the halogen is the Br, then it is write bromo. In case of IUPAC nomenclature system, if the halogen is iodine, then it is write the iodine. So all the halogens, they write in the prefix.
they write in the prefix or they write before the name of the alkane. So here longest chain, that is a 4 carbon, so that's why here alkane is a butane, but on the second carbon there is a chlorine, so that's why on the second carbon there is a chlorine, so that's why it's a chloro. But write that chloro in the prefix of the alkane, so 2 chloro. So why it is write here 2? Because chlorine is attached to the second carbon, so that's why it's called the 2 chloro. And then write the name of the parent alkane. So parent alkane contains the 4 carbon, so that's why 2-chloro-butane. So name of the compound here finally 2-chloro-butane. So in this way you can write the IUPAC nomenclature of this compound. Okay. So we take some another example here. If alkyl halide containing substrate like halogens as well as substituent CSL, at that time how to write the nomenclature of this compound? Okay. So in this again apply the first rule here, that is the first rule here, longest chain rule. So what is the longest chain rule? Select longest continuous chain of the carbon skeleton containing halogens or which contains the halogen group. Okay. So in this case longest continuous chain is this one. Okay. So it contains the halogen as well as it contains the CH3. So what is the second rule? Lowest number method. So give the numbering to the longest chain on that side the halogen is nearest from the terminal carbon. So in this case the Br is nearest from the right side, so give the numbering from the right side in this way 1, 2, 3, 4 and 5, like that. Okay. So on the second and third carbon, on the second carbon there is a Br substrate and on the third carbon there is a CH3, that is a methyl substituent. Okay. So after applying the lowest number rule, apply the third rule, that is identify naming the substituent. So here two types of substituent, one is the halogen and one is the alkyl group, that is a methyl. So on the second carbon there is a Br, so that's why it is a bromo, and on the third carbon there is a methyl, so that's why it is a there is a CH3, so that's why it is called the methyl. So we write the first, that is on the prefix side we write the Br, that is the bromo. So I write the IUPAC nomenclature in this way. So 2-bromo, that is a Br on the second carbon, so that's why it's called the 2-bromo. And another case, that is a on the third carbon there is a CH3, so that's why 3-methyl. Okay. So these are the two substrate, and after writing the substrate write the name of the parent alkane. So there are the 5 carbon in the longest chain, so that's why right here pentane. So the name of compound 2-bromo-3-methyl, and there are the 5 carbon in the longest chain, so that's why pentane. So in this way you can write IUPAC nomenclature of this type of compound. IUPAC nomenclature of this type of compound. Okay. So we take again another example. Suppose I take here in this way. If the alkyl halides containing 2 halogens, so that is the dihalogens. So alkyl halides containing the 2 halogens. So at that time, select the longest chain, again same method. Select the longest chain first, and after selecting longest chain, give the lowest number to that carbon
so which is the nearest to that carbon, which is attached with the halogen. Okay, so from the right side, it has lowest number to the halogen. So in this way, from the right side, 1, 2, 3, 4, 5. If you view the number from left side, then it is a wrong way. So 1, 2, 3. So it having bromine having the number 3, no doubt, but chlorine having the number 5. So that's why if you numbering from the right side, so right side, if you view the numbering from the right side, then 1, 2, 3, 4, 5. Chlorine having the lowest number as well as bromine having the number 3. Okay. After giving after giving the number, find out the substituent. So here there are the two substituents. One is chloro, so Cl, so that's why chloro, and another is a bromo, Br, so that's why bromo. So Cl on the second carbon and Br on the third carbon. So 2 chloro, 3 bromo. These are the substituent, and there are the 5 carbon in the longest chain. So parent here pentane. So parent here pentane. So we arrange these 2 halogens according to the alphabetical order. So here one thing is remember. So chloro, bromo, and iodo. If you write the IUPAC nomenclature, so halogens are in the prefix side. But if compound containing the more than 2 halogen, then write the halogens according to their alphabetical order. So in the chlorine and bromine, so chloro and bromo, C and B. So take the first alphabetical order, that is the bromo, and then write the chloro, because B is the first in the alphabetical order. So name of the compound here, final 3-bromo, 2-chloro, and parent alkene is the pentane. Parent alkene is the pentane. So in this way, you can give the numbering. You can write the IUPAC nomenclature of IUPAC nomenclature of alkyl halides which contain more than 2 halogens. Which contain more than 2 halogens. Okay. So we take again another example. CH3CH. Here CH. That is C2H5. That is CH2CH. Here we are CS. This is one of the example. So if you give this type of example, then first simplify the groups. What is the group here? C2H5. It just simplify and then select the longest chain. So CH2CS. First it is simplified and then select the longest membrane chain. So CH CS here BR. Okay. So if you select the longest membrane chain, then 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the longest chain. So you don't consider this chain because this is the chain of the alkene. So we consider here halogen as a functional group. So that's why consider the longest chain is the straight chain. So if you consider the longest chain here straight chain, then here Br is the on the substituent, and as well as CH2CH3, that is the ethane group is again the substituent. Okay. After selecting the longest chain, view the numbering from the right side, because what are the Br is attached on the right side, or it is the nearest to the terminal carbon. So that's why give the numbering from the right side. In this way. So after giving numbering, then apply the third rule, that is the identified substituent. So here there are the two substituents, that is the CH2CH3. So that is the ethyl group. So that ethyl group is attached. So ethyl group is attached. So this is the ethyl group.
it is attached fourth carbon, so that's why it is a 4-ethyne. And Br is attached on the second carbon, so that's why here 2-bromine. After giving the naming to the substituent, write the name of the longest chain or parent. So the parent chain here 6-carbon, so that's why here hexane. 6-carbon, that's why here hexane. So here 4-ethyl 2-bromo and hexane. तो हमने हमें इसे orderly arrange करना है. तो orderly arrange करना है तो पहले आपको bromo लेना पड़ेगा, बाद में ethyl लेना पड़ेगा, बाद में hexane. So finally we write the name of this compound, that is 2-bromo 4-ethyl hexane. 2-bromo 4-ethyl hexane. In this way हम क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमिनेचर लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड. जब हम अल्किल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, तो उसके लिए आपको नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, दैट इज सीएक्स बॉन्ड का नेचर आपको पता होना चाहिए. सी इज नथिंग बट कार्बन एंड एक्स इज नथिंग बट द हाइड्रोजन. So in the CH bond, carbon is sp3 hybridized. One thing clear, remember here, that is a carbon is a sp3 hybridized and X is nothing but the halogens. X is nothing but the halogens. So halogens are fluorine, chlorine, bromine, iodine. So these are the halogens, and last one is the astatine. So in case of fluorine, it is a present in the second period, so that's why its outermost electron configuration 2s² 2p5. So chlorine is present in the third period, so its outermost electron configuration 3s2 3p5. Bromine is present in fourth period in the periodic table, so its outermost electron configuration 4s2 4p5, and iodine is present in the fifth period, so that's why its outermost electron configuration 5s2 5p6. तो आप देखो चारों हैलोजन को आप देखेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो लास्ट में सभी p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, और उसमें भी फ्लोरीन का 2pz वाला ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है कार्बन के साथ. सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैप हो रहा है, और ब्रोमीन का 4pz ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, और आयोडीन का 5pz ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है. तो यहां हम देखेंगे तो मोर ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन और कार्बन के बीच में. कार्बन का और क्लोरीन के बीच में जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. इसके लिए क्या होगा यहाँ पे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा. जितना ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम होता है, उतना वो बॉन्ड शॉर्टेस्ट होता है. शॉर्टेस्ट होता है तो उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा लगेगी. तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बोथ आर अपोजिट. जब आपका बॉन्ड लेंथ कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जब आपका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी कम होगी. तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ सिंगल बॉन्ड में यही देखने वाले हैं कि कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी. तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन में 2pz ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैप हो रहा है, कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है. सो सिमिलरली क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में देखेंगे
तो 3pz 4pz 5pz मतलब ओवरलैपिंग आपका कम हो रहा है बाद में, क्लोरीन में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग है, क्लोरीन में कम हो रहा है, फिर ब्रोमीन में उससे भी कम हो रहा है, आयोडीन में सबसे कम ओवरलैपिंग होगा। जितना ओवरलैपिंग कम होता है उतना आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है और बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता है। तो नेचर ऑफ सी बॉन्ड में हम ए ऑर्डर देखेंगे कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन उससे ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कार्बन क्लोरीन से, कार्बन ब्रोमीन से और कार्बन एनहाइड्राइड से। ओके, सो इसके लिए हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। सो इफ यू टेक हियर CH3 दैट इज मिथाइल क्लोराइड, सो इन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, सो दैट्स व्हाई CH3 क्लोराइड हैविंग द मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है कम होती है एज कंपेयर टू अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल हैलाइड्स। सो सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड्स कौन सा रिएक्ट होगा, जो अल्किल ग्रुप आयोडाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा वो सबसे ज्यादा अल्किल हैलाइड क्या होगा रिएक्ट होगा। सो दिस इज अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे हमें यही देखना है कि जो आपका कार्बन होता है वो कार्बन हमेशा आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है और वो कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्डेड होता है। तो हैलोजन के हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिसाइड की जाती है कि जब कार्बन आपका क्लोरीन को अटैच होता है तो क्लोरीन में 2pz ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैप करते हैं इसकी नहीं उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इन केस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन में 3pz ऑर्बिटल है इसके लिए उसका ओवरलैपिंग कम होता है। सिमिलरली ब्रोमीन आयोडीन में और भी ओवरलैपिंग आपका क्या होगा कम होगा। तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो कार्बन एंड क्लोरीन में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, कंपेयर टू कार्बन ब्रोमाइड एंड कंपेयर टू कार्बन हैलाइड। ओके, सो हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हम मिथाइल हैलाइड्स लेंगे तो मिथाइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी मिथाइल क्लोराइड की, बाद में मिथाइल क्लोराइड की, बाद में मिथाइल ब्रोमाइड की और लास्ट में आपका आएगा मिथाइल हैलाइड। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ CX bond. Okay, thank you.